हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसके माध्यम से अपनी जो है वो मुलाकात किसी न किसी रूप में जो है वो होती रहती है, चाहे करण जीके के रूप में हो, चाहे वो नई वैकेंसी या भर्तियों के लेकर हो। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी RRB जो एग्ज़ाम है रीजनल रूरल बैंक्स उनकी मुख्य परीक्षा के बारे में देना चाहता हूँ। उसमें कई बच्चे मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि जो है वो लैंग्वेज इशू जो है वो दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने को है, लेकिन हाल ही में एक जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया है BPS के द्वारा, जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि यदि आप जैसे गुजरात जैसे राज्यों में या पंजाब जैसे राज्यों में जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट के रूप में आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, जबकि जो गाइडलाइंस हैं या जो अन्य पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी के अलावा जो है, जैसे आप गुजरात में दे रहे हैं तो गुजराती और जो है वो इंग्लिश में भी वहाँ पे जो है वो गुजराती में भी उपलब्ध रहेगी, ये एक विकल्प वहाँ पे और रहेगा आपके पास। तो ये लैंग्वेज इशू जो है उसकी आप चिंता ना करें, वो चीज़ें जो है वो हटा दी गई हैं, अब वैसा जो है वो नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट की। अपन को जैसा कि पता है कि 13 अक्टूबर को इसकी जो है वो मुख्य परीक्षा PO की आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां, कुछ रणनीति मैं आपको आज बताना चाहूँगा। आप रणनीति यहाँ पे अपनी ये रहनी चाहिए कि अपन मैथ्स रीजनिंग की तैयारी पहले भी कर चुके हैं तो इसके प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, उस पर ही फोकस उस तरीके से ही रखें वहाँ पे आप। जबकि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो ज़्यादा ध्यान जहाँ से आपका सिलेक्शन निकल के आएगा उसमें, जैसे करंट अफेयर है, बैंकिंग GK है, कंप्यूटर है, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज यदि आप दे रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन जो स्कोरिंग ऑप्शन है आपके पास, जहां से आपका स्कोर गेन होगा, जहां पे आप लीड कर पाएंगे सिलेक्शन के अंदर, वो सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो है वो आपका करंट GK और बैंकिंग नॉलेज है। वहां से आप जो है वो ऑटोमेटिकली, यदि वो आपका पोर्शन अच्छा है तो 40 सवाल जो आपको फेस करने हैं उसमें आप इजीली 35+ जो है वो गेन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो है वो दूसरा सेक्शन यदि थोड़ा बहुत आपका ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे आप इजीली उस चीज़ को क्रॉस कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे है। इसी तरीके से आपकी जो है वो क्लर्क की एग्ज़ाम जो है वो 20 अक्टूबर को जो है वो आयोजित होने जा रही है, उसमें भी लगभग पैटर्न आपका सेम रहेगा। यहाँ पे एक खास बात, आप बच्चों इस चीज़ का आपको पता भी होगा, इस चीज़ का आप ध्यान भी रखेंगे कि आपको पता भी है कि इसमें कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल वाला टाइम फ्रेम यहाँ पे है नहीं। हालांकि आपको कट ऑफ जरूर सेक्शनल यहाँ पे क्लियर करना है जो, लेकिन कंपोजिट टाइम जो है वो 2 घंटे का यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको वो इश्यू नहीं है कि ये जो है वो सेक्शन खुला है निश्चित समय के बाद में बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन आपके स्ट्रांग हैं उसमें आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट जो है वो मार्क्स का ले सकते हैं आप। इसलिए यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपने जो है वो स्ट्रांग सब्जेक्ट के माध्यम से कंपटीशन को लीड कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप बैलेंस रखे रखें और आपको एक बेस्ट बेहतर मौका है जब आप अपने जो है वो स्ट्रांग सब्जेक्ट का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो जिन बच्चों की जैसे मान लो जो है वो GK अच्छी है, वो यहाँ से ईजिली कम समय में मार्क्स गेन करके दूसरे जो है वो सेक्शन की ओर स्विच हो जाते हैं, इसीलिए बच्चे जो हैं वो इसमें सिलेक्शन बहुत इजीली गेन कर लेते हैं। यानी जिनका GK अच्छा है तो वो दूसरे सेक्शंस को ज़्यादा समय दे पाते हैं, ज़्यादा उनमें मार्क्स गेन कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मान लो पजल्स जैसी हैं तो उसमें कई बार समय लग जाता है, बच्चे को समय वहाँ पर चाहिए होता है, तो उसमें आप इजीली वहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो आप इस तरीके की रणनीति पर काम करें कि आप GK को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं ताकि आप उस चीज़ को समय वहाँ पर कम कर पाएँ और उस समय का फ़ायदा किसी दूसरे सेक्शन में आप जो है वहाँ पर ले पाएँ। और आप निश्चित तौर पर इस रणनीति पे काम करेंगे, कंप्यूटर और GK को यदि स्ट्रांग करते हैं तो आपको दूसरे सेक्शंस में मार्क्स निकालने में ज़्यादा आसानी हो पाएगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस तरीके की रणनीति का फॉलोअप करें और आने वाले समय के अंदर आप बेहतर अपना प्रदर्शन जो है वो हमारे गाइडेंस के माध्यम से यदि आपको लाभ मिलता है तो आप उसका लाभ उठाएँ। मैं आपके सामने प्रतिदिन जो है वो सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है वो लाता रहूँगा। कुछ जो है वो समय जो है वो प्रॉब्लम्स के चलते मैं नहीं ला पा रहा, लेकिन 1-2 दिन में वो चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है आपको बैंकिंग से संबंधित कोई स्पेशल टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी मैं आपकी हेल्प जो है वो यदि समय रहा तो ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा।
इसके अलावा करंट अफेयर्स की हमारी बुक जो है वो विद इन 10 डेज जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। आप उसका बेनिफिट हमें, जैसे बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं कि आप किस जो है वो बुक से या करंट अफेयर्स से काफ़ी सवाल लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले एग्जामों में भी निश्चित तौर पर आपको इन बुक्स का फायदा मिलेगा। और यदि आप दूर कहीं हैं तो हम आपको PDF सेंड करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप हमारे आसपास जो है हैं, यदि आप जो है हमारे आसपास कोचिंग सेंटर्स के आसपास रह रहे हैं, तो हम जो है वो 19 सितंबर को दोपहर जो है वो 3 बजे से RRB's एग्ज़ाम के लिए, PO और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आयोजित कर रहे हैं, जिनका आप लाभ लेकर एग्ज़ाम के लिए एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि पिछले 8 साल से हमारी टीम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और हर साल अपन बेहतरीन परफॉर्म इस संस्था के माध्यम से हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसलिए आप हमारी संस्था के साथ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है जो हम बच्चों को जो है वो इस समय उपलब्ध करवाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप इस तरीके से ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार आपको जो है वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए गाइडेंस देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।